शुरुआत करते हैं दिल्ली से। एक बड़ी खबर, पीएम मोदी के साथ सीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। एक घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली है। प्रदेश के विकास और कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर ये चर्चा हुई। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास पर चर्चा हुई है। कोरोना की वर्तमान स्थिति और वैक्सीन को लेकर भी बातचीत हुई है। तो कई मुख्य बिंदु रहे हैं इस चर्चा के। पीएम स्ट्रीट वेंडर और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना की जानकारी दी गई। बिगड़े वनों के सुधार के लिए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर सुझाव दिए गए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के संबंध में चर्चा हुई। सीएम ने पीएम को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट दिया। वहीं एमपी में नक्सली गतिविधि के बारे में जानकारी दी गई। तो सीएम ने पीएम को धन्यवाद भी दिया। रबी सीजन में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित करने पर धन्यवाद किया। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पिछले 8 महीने में जो योजनाएं चली हैं उसको लेकर चर्चा हुई और उपलब्धियों को लेकर चर्चा हुई। तो पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक खत्म हुई है और एक घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली है। जनता ने इतने बड़े बहुमत से जिताया है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो हमारी प्राथमिकता ध्यान में आती है और हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास को लेकर है। चलिए ज्यादा अपडेट हम ले लेते हैं। विशेष संवाददाता जुगल किशोर इस खबर पे जुड़ चुके हैं। जुगल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, खासतौर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो ड्राफ्ट सौंपा गया है, और क्या कुछ विशेष इस बैठक में रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात करीब एक घंटे तक मुलाकात हुई, और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश के विकास का पूरा रोडमैप जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके सामने पेश किया। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोविड है। कोविड पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है और कोविड के बाद के जो आर्थिक स्थिति है उस पर चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए तमाम योजनाएं, तमाम कसावट और तमाम तरह की जो उनकी योजना है उससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर की जो महत्वाकांक्षी योजना है जो सीधे गरीब को फायदा पहुंचाती है उसके बारे में चर्चा की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच करीब एक घंटे मुलाकात हुई, तो इस एक घंटे के मुलाकात में आर्थिक मुद्दों पर खासतौर से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 611 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी है बाढ़ के संबंध में, उसके लिए भी धन्यवाद दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत सार्थक मुलाकात हुई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और मध्य प्रदेश के विकास के रोडमैप पर एक लंबी चर्चा हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। हालांकि अब बैठक खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के विकास और कल्याण को लेकर विभिन्न मुद्दों पर यह बातचीत हुई है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है।